विद्याधरनी दरबारा में दो साधु जी आए Yeah!
तो महाराज के पास में एक शेर है महारानी और ये कहते हैं इसको जिमाओ। तो महाराज हमारे पास किस बात की कमी है महाराज? आप भंडारे खोल दीजिए महाराज उन साधुओं के लिए। ऐसे वैसे भंडारे नहीं खाते हैं वे। तो महाराज क्या खाते हैं? अब वो ही बताना चाहता हूँ मैं, वो मुर्गे बकरे ये कुछ नहीं खाता उनका शेर। तो महाराज आप शिकार तो खेलने के लिए जाते हैं महाराज, वहीं से किसी जीव जंतु का मांस लेकर खिला दीजिए महाराज। नहीं, एक शेर साथ में ले रे सैनू बोले इसे जिमा दो। हाँ, लेके किसी शिकारी ते और लेके किसी शिकारी ते जंतु का मांस खिला दो। लेके किसी शिकारी ते जंतु का मांस खिला दो। नू बोले सुत धीर धज को सिंह की भेंट चढ़ा दो। महारानी वे तो हमारे पुत्र धीर धज को सिंह की भेंट मांग रहे हैं। नहीं महाराज, अब बता मैं क्या करूं। नहीं महाराज, हमारे इकलौता पुत्र है महाराज, हम अपने पुत्र को नहीं दे सकते महाराज, हम अपने पुत्र को नहीं दे सकते महारानी। मैं वचन भर चुका हूँ और एक बात बताता हूँ, अगर मैं आज वचन हारी हो जाऊंगा तो मैं आज जिंदा नहीं रहने का, मुझे हर सूरत में हर हालत में अपने वचन निभाने भी होंगे महारानी। और हाँ, तुम कहती हो कि हम पुत्र को नहीं दे सकते, तो तुम चल करके दरबार में कह दो कि पुत्र पर आधा हक मेरा है, मैं नहीं देना चाहती, तो फिर मेरा चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। हानू बोले सुत धीर धज को सिंह की भेंट चढ़ा दो। और पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, और दिल का हाल बता दो। पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, दिल का हाल बता दो। हाँ, कल शाम बजे थे, कल शादी के ढोल बजे, आज गम के बादल छाए। हल्दी मटना उतरा ना बहु बैठी शेर भोजन नहीं खाएगा। ये तीन भजन हैं, सुन लेना जरा ध्यान से इनको भी। न्यू बोले खुद सुत को चीरो, न्यू बोले खुद सुत को चीरो, लेके हाथ में आ रहा हाथ कण जा खड़ा हुया यो, ये सुन के बोल कंदारा।
लिए थे, हाथ पैर भी जोड़ लिए, वे हल नहीं हिलाए। आधा हक मेरा है, मैं नहीं देना चाहती, फिर मैं कह दूंगा भाई आप मेरे शरीर से इसके शेर को जिमा लो, ये ही सूरत है, तेरा बेटा भी बच जाएगा। आ सही बात, क्यों बेटा देना चाहती हो या नहीं साफ बताओ। महाराज जो खून आपकी रगों में बह रहा है महाराज, वही खून हमारी रग में भी है, लेकिन महाराज हमारे हाथ में 5 उंगली है महाराज, जोन से को काटोगे महाराज उसी में दुख होगा। नहीं महारानी, अगर मैं आज चला गया तो कोई बात नहीं, और बेटा चला गया तो हमेशा का रोना होगा। नहीं महाराज, हम दोनों में से एक छांट ले महारानी को, या तो बेटा। नहीं महाराज, हम आपको खोना नहीं चाहते महाराज, अब दोनों में से महाराज आपको ही छांटेंगे। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दो, कह दिया कि हम दोनों में से केवल आपको छांटेंगे और बेटे की भेंट चढ़ाने के लिए तैयार। नहीं मानो। नहीं महाराज, मन भर लिए बचन भूल मैं तू बेशक नाटिया रानी, मैं पतिव्रता नारी सजनना करूं धर्म की हानि, मैं पतिव्रता नारी सजनना करूं धर्म की हानि। अगर ऐसी बात है तो अब तू एक काम कर, बहू से जाकर के और बूझ ले, क्योंकि तुमने तो हां कर ली, और बेटे पर हक आज से मेरे तेरे से ज्यादा बहू का हक हो गया है, उससे जाकर के और पूछ ले कि वो भी अपने पति को भेंट में देने के लिए तैयार है या नहीं है, और जब तक मैं यहीं बैठा हूं ठीक है, तो जाके उससे भी पूछ लिए घर बैठी से बहुयानी, और टक्कर मारी मरेगी वातो, टक्कर मारी मरेगी वातो, खोवेगी जिंदगानी, टक्कर मारी मरेगी वातो, खोवेगी जिंदगानी। हाँ गुरु जय सिंह कहे पुत्र के सिंह के पुत्र के मोने तन्नी वीर सताए।